झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां केंद्रीय महाधिवेशन रांची के सोहराई भवन में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के सभी बड़े नेता जो है यहां पर पहुंच चुके हैं। कई ऐसे प्रस्ताव जो है आज यहां पर पास होंगे और खास करके जो बड़ी बात है वो कि इस महाधिवेशन में संविधान का संशोधन करना है। पार्टी का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संविधान है उसका संशोधन होना है, उसको लेकर के पहले से ही जो तैयारियां हैं वो चल रही थी और संविधान संशोधन समिति के जो लोग थे वो उस पर लगातार जो है काम कर रहे थे। कहा यही जा रहा है कि हेमंत सोरेन जो कि फिर से कार्यकारी अध्यक्ष ही बने रहेंगे पार्टी में, क्योंकि जब तक गुरुजी हैं शिबू सोरेन वो इस बार भी 10वीं बार लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और आज जब महाधिवेशन ये समाप्त होगा तो इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी और इसके अलावा अध्यक्ष के अलावे एक जो पद की घोषणा हो सकती है वो महामंत्री किनको बनाया जाएगा उस पर उसका घोषणा किया जा सकता है। लेकिन जो एक जो बड़ी बातें जो सामने निकल करके आ रही है कि जो संविधान में जो संशोधन किया जाएगा उसमें खास करके कार्यकारी अध्यक्ष जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनको ज़्यादा जो है पावर दिया जाएगा, उनको ज़्यादा जो है काम करने की छूट दी जा सकती है। संविधान संशोधन में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि मुख्यमंत्री जो कि पार्टी के सर्वा हैं वही आजकल सारे निर्णयों को भी लेते हैं, तो ऐसे में जब वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे पार्टी को आगे ले जाने की दिशा में वो पहल कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा जो है तवज्जो पार्टी में उनको पावर दे करके दिया जा सकता है। इस तरीके की जो बातचीत है वो सामने आ रहा है और ख़ास करके राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे इस महाधिवेशन में, क्योंकि कई राज्यों से जहां जहां पार्टी के लोग हैं, जहां जहां पार्टी सक्रिय है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहां के नेता जो है इस महाधिवेशन में शामिल होने आए हैं। और यह देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है पार्टी को आगे ले जाया जाएगा, जनता से किस तरीके से जोड़ा जाएगा। और चूंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, पार्टी जो है सरकार में है, तो ऐसे में सरकार की जो पॉलिसीज है उसको पार्टी किस तरीके से जनता तक लेकर के जाएगी, इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पे राज्य भर से लोग आए हैं। पार्टी ये जो सोहराई भवन जो है इसके अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाकी जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यह रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगे लेकर के जाया जाएगा। और बाहर में कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं, जो अलग अलग जिले से अलग अलग राज्यों से जो आए हुए हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से बाहर बैठे हुए हैं। और उम्मीद यही है, इनको ये भी लग रहा है कि आखिर क्या कुछ होगा, निर्णय क्या होगा, ये जो क्या गुरुजी ही फिर से अध्यक्ष बनेंगे या फिर कुछ जो लोग कार्यकर्ता जो यह चाहते हैं कि हेमंत सोरेन को क्यों ना पार्टी का कमान सौंप दिया जाए, चूंकि ज़्यादातर सक्रिय जो भी फैसले हैं वो हेमंत सोरेन ही लेते हैं। और यह इंतज़ार करना होगा कि महाधिवेशन जब समाप्त होगा तो क्या कुछ निर्णय लिया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं मौजूद उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? रांची जिला से हैं। रांची जिला से हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हो पार्टी में? एकदम, क्या एकदम हो और होगा, बदलाव होगा, अभी तो प्रोग्राम चल रही है। हाँ, अभी देखें आगे क्या होता है। क्या बदलाव होना चाहिए? बहुत कुछ है बदलाव के लिए। मतलब जैसे क्या बदलाव होना चाहिए, कुछ आपको लगता है कि पार्टी में ये चीज़ जो है नहीं बदलना चाहिए या फिर इसको ऐड ऑन करना चाहिए? अभी जैसे जो कोरोना काल जैसा चल रहा है तो कोरोना काल को देखते हुए शायद फिर से रिन्यूअल होगा, सब कुछ रिन्यूअल होगा। अभी नया कुछ अलग करेंगे, लेकिन वैसा कुछ भीड़ भाड़ वाला कुछ नहीं होगा जिसके वजह से अभी कोरोना में लोगों को दिक्कत होगा। आप कहाँ से आए हैं, रांची से ही हैं कि बाहर से आए हैं? मैं हिंदपीढ़ी से आए हैं, जो हिंदपीढ़ी हिंदुस्तान का दिल है उस दिल से आए हैं यहाँ। अच्छा, क्या है पार्टी में आप कार्यकर्ता हैं, कोई पद उद था अभी तो? हालांकि एडहॉक कमेटी काम कर रही है। दो मरतबा रांची जिला सर सचिव रह चुके, एक मरतबा प्रेमचंद महतो के टाइम, एक मरतबा अमित कुमार महतो के। जब पद लेने के बाद बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिलती है, इस वजह से एकदम सोशल वर्क ऐसा काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, इस बार कुछ बदलाव हो, अध्यक्ष गुरु जी ही रहें या फिर हेमंत सोरेन को जिम्मेवारी दी जाए? देखिए, अभी जब तक झारखंड का जो शेर है, जो झारखंड का गांधी है, जब तक वो जिंदा रहेंगे वही रहेंगे, बदलाव नहीं होगी। क्यों होगी,
और अभी उनका लाल लगते जिगर हेमंत सोरेन सबसे पढ़े हुए इंसान इंजीनियर जो है वो मुख्यमंत्री बने, और आपका मीडिया के माध्यम से इंडिया का एकदम टॉप लीडर जो कोरोना काल में हेमंत सोरेन बने, हम नहीं बोल रहे हैं आज तक बोल रहे हैं, पूरे टीवी चैनल बोल रहे हैं, उस कोरोना का घड़ी में जो रघुवर दास उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़े तो जूरे बॉय जीरो दे के गए, उन्होंने इस झारखंड की सरजमीन को बेहतर लेने का काम किए, चलाने का काम किए, अभी फिर कोरोना आने वाला है। दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ए गॉड ये कोरोना मत भेजिए, पूरे हिंदुस्तान के नहीं वर्ल्ड के लोग परेशान हाल में है, मीडिया हो या का मीडिया का तो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सब जगह वो आप लेने जाते हैं, खेल का मैदान हो या जंग का मैदान हो, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, आपके माध्यम से सारे दुनिया चैनल देखती है, तो ज़्यादा आपको भी बचना होगा और इस कोरोना के लिए दुआ कीजिए। क्या लगता है आपको, कुछ लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए, जो कि महाधिवेशन हो रहा है तो उम्मीद आपको है कि इस बार जो है पार्टी का कमान किनको सौंपा जाए? ऐसे तो गुरुजी का नाम तो मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन लोग यह बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन अब उनको जिम्मेवारी सौंप दी जाए, क्या लगता है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो आदरणीय शिबू सोरेन जी जो झारखंड के गांधी हैं और उनका संघर्ष ही झारखंड को अलग कराया, 35 से 38 सालों तक उन्होंने आंदोलन किया और आज वो झारखंड के गांधी हैं और झारखंड के सुप्रीमो हैं, और जैसा मेरा अपना अनुभव है कि जब तक वो हैं तब तक वो हमारे सुप्रीमो बने रहेंगे, और आदरणीय हेमंत सर जी जो मुख्यमंत्री है, और अब तक झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने सबसे वो सुपर हैं और सबसे पढ़े लिखे हैं, वो BIT मिश्रा से इंजीनियरिंग किए हैं और अभी कोरोना काल में उनका काम बहुत ही सराहनीय रहा है, और जब आपके रघुवर दास जी जब इनको गद्दी सौंपे तो उस वक्त झारखंड की स्थिति बेहद ख़राब थी, पर अब उन्होंने इसको सुधारा है और आने वाले दिनों में झारखंडियों को बहुत अपेक्षा है, बहुत मतलब सराहनीय काम कर रहे हैं आदरणीय हेमंत सर जी, और आने वाले दिनों में झारखंड को वो बहुत आगे ले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है केंद्र हमारे रास्ते पर रुकावट बनता, हमारे यहाँ से केंद्र जितना भी खनिज पदार्थ ले जाता है अगर उनका सिर्फ रॉयल्टी दे दे केंद्र हमारे झारखंड को, तो झारखंड में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और एक भी व्यक्ति काम करने के लिए बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि झारखंड पूरे देश में सबसे ठीक है। तो सरकार की बात, आज हम लोग सिर्फ पार्टी की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में जब पॉलिटिकल पार्टियां काफी हाईटेक हो गई है, तो आप लोगों को लगता है कि JMM में भी बदलाव की जरूरत है, जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं उसमें बदलाव की जरूरत है, या फिर कई लोग जो बड़ा नाम है उनको भी एक जिम्मेवारी दी जानी चाहिए पार्टी में? नहीं, अभी तत्काल जो हम लोग गुरुजी ही मानते हैं और गुरुजी को रहना चाहिए, ये झारखंड को अलग करने में सबसे बड़ा योगदान रहा, और गुरुजी नहीं रहते तो झारखंड अलग नहीं होता, आज हम लोग बिहार में ही रहते, इसलिए गुरुजी को रहने से, जब तक हैं गुरुजी हम लोगों के गुरु हैं, झारखंड के गुरु हैं और गुरु ही रहने देने, गुरु ही रहे तो हम लोग को लगेगा कि हमारा गुरु अभी तक मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं। गुरुजी ही सबसे जो है ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और पार्टी में अगर पार्टी अगर आज तक यहाँ पहुँची है, पार्टी की सरकार अगर यहाँ पे बन पाई है झामुमो की, तो उसके पीछे भी जो है गुरुजी का ही संघर्ष है, और यही वजह है कि कार्यकर्ता का जो पहली पसंद है वो गुरुजी ही हैं। इस महाधिवेशन में एक चीज़ और भी ये हो सकता है कि हेमंत सोरेन जरूर यह तय करेंगे कि उनकी जो कमेटी बनेगी उसमें ज़्यादातर लोग उनके मन के होंगे, युवाओं को ज़्यादा तरजीह दिया जा सकता है, हालांकि ये सब सारी चीज़ें जो है महाधिवेशन के समापन के बाद ही जो है स्पष्ट हो पाएगी। हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं यहाँ से सोहराई भवन से कि यहाँ से जो भी खबरें निकल कर के सामने आए वो द फॉलोअप के दर्शकों को जो है हम लोग अपडेट कराते रहें। शुक्रिया।